बिल्कुल अमर है, बिल्कुल अमर है। तो फिर यानी कि हम अमर है क्या? यानी कि हम अमर है क्या? हाँ, यानी कि हम अमर है। हाँ, आप अमर हैं, बिल्कुल अमर हैं। तो फिर राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे कीर्तन गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महाराज जी ने एक लड़के को बताए कुछ ऐसा जिसे सुनकर लड़का हो गया चकित। जी हाँ दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने एक लड़के को साफ साफ बता दिए कि आप अमर हैं। लड़का ये बात सुनकर चकित हो गया। आज आश्रम में चमत्कार हो गया, वहाँ उपस्थित सारे भक्त जन भी महाराज जी की ये बातें सुनकर हैरान हो गए। दोस्तों, महाराज जी इस लड़के को ऐसा क्या बताए जिसे सुनकर वह चकित हो गया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाराज जी एक बहुत बड़े कथावाचक हैं और उनकी कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है। अगर आप भी महाराज जी के भक्त हैं और उनकी कथा और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उनकी प्रेरणादायक बातों से प्रेरित जरूर होते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि महाराज जी ने इस लड़के को ऐसा क्या बोले कि लड़का चकित हो गया। महाराज जी, गीता में लिखा है कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। तो फिर यानी कि हम अमर है क्या? हाँ, यानी कि हम अमर है। हाँ, आप अमर हैं, बिल्कुल। तो फिर हमें मृत्यु का भय क्यों होता है? भय होता है, वो भय ही तो हटाना। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। शरीर की मृत्यु होती ही नहीं। शरीर पांच चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब इसे जलाते हैं तो एक्चुअली वो पांच तत्व पांच में जाकर मिल जाते हैं। जैसे माटी का घड़ा टूटा तो माटी का घड़ा माटी में मिल गया, उसी तरह जब आपका शरीर जला तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, जहां से आए जो वहां खत्म। इसी कहते हैं लोग मर गए। मरना इसका नाम है ही नहीं। एक्चुअली कोई मरता ही नहीं है, कोई ये सिद्ध कर ही नहीं सकता कि ये मर गया। तो ये मरने का भय जो मानसिक है। हाँ, ये मरने का भय, ये भय ही तो हटाना है। सत्संग, ज्ञानी जन, बड़े बड़े साधु संत मरने का भय त्याग देते हैं और जो होगा भगवान करेंगे, भगवान की इच्छा। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है तो विनाश कैसे होगा? दोस्तों, महाराज जी के करोड़ों भक्त हैं। अगर आप भी महाराज जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।